अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या है? लाइन इंटीग्रल के बारे में, ये एक हमारे पास एक क्लोज कर्व है, एक सिंगल कर्व के लिए क्लोज कर्व, द पार्टिकल मूव वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि एन इंटीग्रल विच इज़ एवेलुएट अलोंग ए कर्व इज कॉल्ड ए लाइन इंटीग्रल। हम यहाँ पर इसको वेक्टर फंक्शन में यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने कम्प्लेक्स एनालिटिक्स के अंदर भी इसको डिफाइन किया था कि एक हमारे पास कर्व है वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, इस प्लेस में इसके बिटवीन इस पाथ के जो भी पॉइंट है वो ए वन ए टू ए थ्री लिए मैंने, लेट ए इज इक्वल टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के बी ए वेक्टर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी एंड डिफाइंड ए कंटिन्यू फंक्शन पी वन पॉइंट से पी टू पॉइंट तक, ये एक कंटिन्यू फंक्शन है और a1 a2 जो है इसके वेक्टर फंक्शन है और उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास कुछ इस तरह है a1i प्लस a2j प्लस a3k b ए वेक्टर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई के ये फंक्शन है डिफाइंड ए कंटिन्यू फंक्शन t ऑफ u इज इक्वल टू एक्स u ऑफ i प्लस y u ऑफ j प्लस z u ऑफ k वेयर u इज ए स्केलर वेरिएबल्स। यहाँ पर u जो है एज ए स्केलर वेरिएबल के तौर पे लिया है। द इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द कर्व फ्रॉम द पॉइंट पी वन टू पी टू, ये मैंने एक टेंजेंट लाइन यहाँ पर ली है, दूसरी टेंजेंट लाइन ए टू के अलोंग ली है, तीसरी लाइन ये हमारे पास ए थ्री के हैं। ये कर्व के किसी बी पॉइंट को टच करके जो गुजर रही है ये इसके हमारे पास टेंजेंट कंपोनेंट है अलोंग द कर्व, इस कर्व के। और इस कर्व का जो पाथ है P1 से P2 तक, ये एक हमारे पास क्लोज कर्व है जिसको हम इंटीग्रेशन में P1 P2 a डॉट dr, और dr जो कि हमारे पास xi प्लस yj प्लस z k है, और P1 से P2 तक जो इसका ये डिस्टेंस है। अब क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, जब इसको हम डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे तो ये हमारे पास पी वन से पी टू तक का पॉइंट ए वन डी एक्स प्लस ए टू डी वाई प्लस ए थ्री डी एक्स आ जाएगा। अब हमारे पास ये एक क्लोज कर्व है, इसलिए क्लोज कर्व को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं सी ए डॉट डी आर, और ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कंट्रोल सी ए डॉट डी आर इंटीग्रल ए डॉट डी आर, इसको हम ए वन डी एक्स प्लस ए टू डी वाई प्लस ए थ्री डी जी बी से भी फाइंड करते हैं। और जो भी इस जो कर्व से जो इस लाइन इंटीग्रल से जो भी हमारे पास का सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास कोई यूनिट एरिया की फॉर्म में आएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट, इससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल लिए हुए ए इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई आई वैक्टर माइनस फोर्टीन वाई जी जे वैक्टर ट्वेंटी एक्स जी का स्केयर हमारे पास यहाँ पर क्या है के वैक्टर है। अवेल्युएट करना है हमने आपके पास क्लोज कर्व का एरिया जो है ए डी आर फ्रॉम पॉइंट जीरो जीरो टू वन वन, वेयर एक्स जो है यहाँ पर टी के बराबर है, y जो है वो t स्क्वायर का फंक्शन है, z जो है t क्यूब का फंक्शन। गिवन दैट हम इसको एक इक्वल ले रहे हैं इस वैल्यू को, x जो है t के इक्वल है, y t स्क्वायर और z t के क्यूब के इक्वल है। सबसे पहले इनको डिफरेंशिएट करते हैं dx एक्स डी टी डी वाई पावर शुरू में टू टी डी टी z डी सी आ जाएगा और पावर शुरू में, तो यहाँ पर हमारे पास इसके साथ क्या है थ्री टी स्केयर डी टी आ जाएगा। अब इसके पॉइंट जो हैं एक्स वाई और सी के क्या दिए हुए हैं जीरो जीरो टू पॉइंट वन वन,
तो हमने ये पॉइंट एक्स वाई के, ये भी हमारे पास एक्स वाई जी के पॉइंट है जो कि हमारे पास जीरो वन, फ्रॉम इक्वेशन वन जो है इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में जाके जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टी भी क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पर भी टी की वैल्यू जीरो, यहाँ पर भी एक्स की जगह जी की जगह जीरो पुट करेंगे तो टी भी किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल, इसका स्केयर भी तो जीरो ही होगा और क्यूब भी जीरो होगा। इसी तरह फिर हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे वन वन, तो टी की पॉइंट क्या आ जाएगा वन वन वन, द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बी कम जीरो टू वन, तो जो इसकी इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी जीरो टू वन आ जाएगी। अब हमारे पास क्लोज जो एरिया है ए डी आर इज इक्वल टू सी ए वन डी एक्स प्लस ए टू डी वाई प्लस ए थ्री डी जी है, तो इसका जो हमारे पास क्लोज एरिया है वो हमारे पास कुछ इस तरह आ गया है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट हमारे पास जीरो आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट इसका क्या आएगा वन आएगा, और ए वन की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है थ्री एक्स स्केयर प्लस सिक्स वाई, और यहाँ पर अभी हम लिख लेते हैं डी एक्स, या हम इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पर भी कि जो हमारे पास थ्री एक्स स्केयर प्लस सिक्स वाई है, अगर हम कहते हैं ना कि एक्स टी के बराबर है तो यहाँ का जो फंक्शन है वो हम लिख सकते हैं कि थ्री टी स्केयर प्लस सिक्स वाई, अगर वाई की वैल्यू टी स्केयर के बराबर है तो हम यहाँ पर भी इसका टी स्केयर लिख देते हैं, और इसके साथ जो आपके पास डी एक्स है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे डी टी। फिर इसी तरह माइनस इसकी इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, जीरो से क्या है वन इसका जो लिमिट है, ये हमारे पास फोर्टीन वाई किसके इक्वल है टी स्केयर के इक्वल है, और जी की वैल्यू क्या है हमारे पास टी क्यूब के बराबर है, तो हम इसकी पावर टी क्यूब कर देंगे और इसके साथ भी हम डी टी लिख देंगे। इसी तरह हमारे पास प्लस ट्वेंटी और एक्स की वैल्यू हमारे पास टी है, लेंथ इसकी जीरो से वन है, और जी जो है उसकी वैल्यू अब टी का क्यूब है, तो ये टी की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास सिक्स, और इसके साथ क्या लेंगे डी टी। अब इनको हम एवेल्युएट करके यहाँ से इसका अभी हम एरिया फाइंड करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हमने इसको सिंपलीफाई करके यहाँ पर आ गए। अब नाइन एज ए कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करें, इसमें एक का इजाफा उसी पर डिवाइड, इसकी लेंथ जो है वो जीरो से क्या वन ट्वेंटी एट, इसमें भी एक का क्या कर देंगे इजाफा उसी पे डिवाइड, इसकी लेंथ भी आपके पास जीरो से क्या है वन सिक्सटी, इसमें भी एक का क्या कर देंगे इजाफा उसी पे डिवाइड, इसकी लेंथ भी आपके पास जीरो से वन, इसको सॉल्व करते हैं ये थ्री बचेगा, पहले यहाँ पर अपर वैल्यू पुट करते हैं वन, लोअर वैल्यू जीरो ट्वेंटी एट सेवन, ये फोर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी टी की वैल्यू पहले वन फिर लोअर वैल्यू जीरो, ये इसे कट के क्या आ जाएगा प्लस का सिक्स, अपर वैल्यू एंड क्या कर देंगे लोअर वैल्यू, ये थ्री माइनस फोर प्लस क्या आ जाएगा आपके पास सिक्स, सिक्स और थ्री नाइन में से फोर लेस करें तो हमारे पास ये जो इसका है यूनिट एरिया आ गया। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन को सॉल्व करना किस तरह सॉल्व किया जाता है हमने वो सीखा, और उसके बाद हमने इसकी एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि हमारे पास कुछ एग्जांपल एरिया इस तरह है कि ए जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू ये वाली है, हमारे पास उसके पॉइंट जीरो जीरो टू वन वन है, वेयर एक्स टी के बराबर है, वाई टी स्केयर के बराबर है, जी टी क्यूब के बराबर है, तो मैंने सबसे पहले इनको डिफ्रेंशिएट किया, इसके बाद यहाँ पर जो एक्स वाई जी की वैल्यू थी पुट करके यहाँ से हमने ये वैल्यू जो है टी की निकाल ली, तो हमारे पास जो इसकी इंटीग्रेशन आई है उसकी लिमिट आई है वो जीरो से वन है, हमने वो वैल्यू लेके और जो ए की असल कंपोनेंट थे ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करके उसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया है। तो ये था हमारे पास लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड एक एग्जांपल।